गुड मॉर्निंग बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 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 और ट्रिग्नोमेट्री की वो टेबल सर हमें कभी याद नहीं होती। मैडम मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, कैसे करूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से उसकी वैल्यू बताओ, लेकिन हम बता नहीं पाते। कैसे याद करें इसको, याद होती नहीं है, याद होती नहीं है। अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे और क्लास में भी पिटाई होगी। तो कैसे बचे इस चीज़ से, इस चीज़ से बचने के लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ कि जो सिर्फ एक वीडियो देखने मात्र से, ये वीडियो देखने मात्र से आप लाइफ टाइम ये टेबल नहीं भूल सकते। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको पहले से ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीखने से, ठीक है ना। बच्चे बोलते याद नहीं होती, याद नहीं करते कभी भी इसको, समझते हैं। और आज हम इसको समझ के करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग से मेथड से, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने कुछ ऐसी टेबल बना रखी है, आपके मैथ में भी होगी, टेंथ स्टैंडर्ड में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नोट किए हैं, जैसे साइन ऑफ ए, ठीक है ना, कोसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए और कोटेंजेंट ऑफ ए। मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा है, बच्चे डायरेक्टली बोलते हैं साइन ए, कोस ए, सीकेंट ए, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। पहली बात तो हमने इनको बोलने का तरीका है जो हमारा चेंज करना होगा। हम इसको बोलेंगे कैसे, दैट साइन ऑफ ए या फिर साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। जो यहां पर मैंने ए नोट किया है ये हमारा होता है एंगल, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोलते हैं इसको साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ ए यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इस तरीके से हमने इस चीज को बोलना है। पहली बात तो आपने ये सीखनी है। बिल्कुल भी आप इस चीज की चिंता ना करें कि ये टेबल आपको नहीं आएगी। ये जो वीडियो देखने मात्र से आप इस टेबल को अपने दिमाग में परमानेंट मेमोरी के अंदर लेकर जाओगे आज, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीखने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं। मैं कहता हूं कि टेबल अगर आपको समझनी है तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, और वो भी लाखों करोड़ों की काउंटिंग नहीं, सिर्फ 4 तक, सिर्फ 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए आपको। जिस भी बच्चे को 4 तक काउंटिंग आती है वो इस टेबल को बड़े आराम से सीख सकता है। चलिए कैसे, वो 4 तक काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है 0 से, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे हम। लिखेंगे 4 तक की काउंटिंग, हमने लिखी है 0, 1, 2, 3 और 4। ये 4 तक की काउंटिंग नोट कर दी हमने, कितना आसान है हमारे लिए 4 तक की काउंटिंग नोट करना, 0, 1, 2, 3, 4, टेबल आ गई। ये मान के चलिए बस इतना आसान है इस टेबल को समझना, ठीक है ना। आपने सिर्फ क्या करना है, पहला जो स्टेप है, स्टेप के अकॉर्डिंग बताता चला जाऊंगा और आपने उसी के अकॉर्डिंग सीखते चले जाना है, ठीक है ना। तो 4 तक की काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपने सिर्फ एक बार नोट करना है। तो हमने क्या करना है, यहां पर पहला जो स्टेप था हमने यहां पर 4 तक की काउंटिंग को ऐसे नोट किया है। टेबल आप जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर बना रखी है वैसे ही आप एक बार मतलब कि नोटबुक पे बनाओगे। साथ में अपनी नोटबुक रखना, अभी साथ साथ में लिखना मत, पहले समझिए, वीडियो को बंद कीजिए, फिर उसके बाद आराम से एक बार इसको बनाकर देखिए, ठीक है ना। आप कुछ ही सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड में आप इस टेबल को तैयार कर दोगे, ठीक है ना। 1 से 2 बार की प्रैक्टिस के अंदर परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, फिर हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले पहला स्टेप हमने टेबल को ऐसे तैयार किया है और सिर्फ 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग नोट की है। तो उसी काउंटिंग कहां तक नोट की है, 4 तक, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक नोट की है, 4 तक नोट की है हमने। और हम क्या करेंगे, 4 तक नोट की, 4 तक काउंटिंग हमने आती है, तो इसी 4 से
हम इस पूरी की पूरी जो हमारे पास ये लाइन बनती है इसी फोर्स से डिवाइड कर देंगे। हम सेकंड स्टेप पर पहुंच गए हैं, इसी फोर्स से हम क्या कर देंगे, इस पूरी की पूरी लाइन को डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, फोर्स से। बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल बड़े ध्यान से। पहले क्या किया हमने, टेबल ऐसे तैयार की है और हमने जीरो से फोर तक की काउंटिंग नोट की है। फिर हमने क्या किया, फोर तक की काउंटिंग नोट की और पूरी की पूरी यहां पर जो लाइन हमारी बनी है फोर से ही उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। बहुत आसान है ये, हमने अभी तक का काम किया है। फिर हम क्या करेंगे, जो चीजें हमारी कैंसल आउट हो सकती हैं, यानी कि जैसे हमारे पास जैसे ये है टू और ये फोर है, जैसे ये कैंसल आउट जो भी हो सकता है पहले तो उसको हम कैंसल आउट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहां पर हमारे पास जीरो डिवाइड बाय समथिंग हमारा क्या आता है, जीरो आता है हमेशा, ठीक है ना। वन बाय फोर कुछ ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना। टू बाय फोर यानी कि जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करेंगे, टू वन जा टू और टू टू जा फोर, तो ये हमारे पास आ गया है वन बाय टू। नेक्स्ट थ्री बाय फोर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और यहां पर फोर बाय फोर, फोर वन जा फोर, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद नंबर आ चुके हैं। कैंसिल आउट होने के बाद आ गया जीरो, यहां पर वन बाय फोर का वन बाय फोर एज इट इज, यहां पर वन बाय टू, थ्री बाय थ्री फोर का थ्री बाय फोर एज इट इज, और यहां पर कितना आ गया है वन। यहां तक हमने सीख लिया है, कितना आसान है हमारे लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनरूट कर देंगे, जो जो कैंसिल आउट होकर हमारे पास आकर निकला है ना उसका हम क्या कर देंगे, अंडररूट कर देंगे। जैसे यहां पर कर दिया जीरो का अंडररूट, यहां पर कर दिया वन बाय फोर का अंडररूट, यहां पर कर दिया वन बाय टू का अंडररूट, यहां पर कर दिया थ्री बाय फोर का अंडररूट, और यहां पर कर दिया वन का अंडररूट, ठीक है ना। ये अगर किसी को समझ में आ गया है तो पूरी की पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ एक बार ध्यान से देखना है, कुछ नहीं किया हमने। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हर कोई नोट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर जीरो से लेकर फोर तक की काउंटिंग हमने नोट की थी, फोर तक की काउंटिंग नोट की, फोर से ही इस पूरी की पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट में जो कैंसिल आउट होकर निकला उसको हमने बाहर निकाल दिया, और हमने फिर अंडर रूट कर दिया सभी का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो चीज अंडर रूट से बाहर निकल कर आ सकती है हमारे पास, जैसे जीरो का अंडर रूट कितना होता है, हम क्या करेंगे, जीरो ही नोट करेंगे यहां पर, तो ठीक है ना। यहां पर हमने क्या कर दिया, जीरो ही नोट किया है। बात आ गई है वन बाय फोर का अंडर रूट, यहां पर आ जाइए बस। अंडर रूट का जो हमारे पास जो छोटा सा जो मसला बनता है उसको भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे बड़े आराम से। ये बना वन बाय फोर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो आराम से देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। जो बच्चे को अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालनी नहीं आती वो भी बड़े ध्यान से सीखिए। जैसे हम क्या करेंगे, वन का अंडर रूट अलग से कर लेंगे, क्योंकि यहां पर वन बाय फोर का अंडर रूट है, तो वन का अंडर रूट अलग से और फोर का अंडर रूट अलग से हमने कर लिया। तो अब हमने एक बात बोलनी है मेरे साथ, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, मेरे साथ बोलिए कि स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसल हो जाता है। ऐसा हमने बोलना है कि स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसल हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे वन का तो हमारे पास क्या आएगा, वन ही आएगा। यहां पर इसका स्क्वेयर बनता है टर्म का, कैसे बनता है, इसको लिख सकते हैं टू का स्क्वेयर। जैसे कि टू का स्क्वेयर कितना होता है, फोर, तो फोर की जगह हम टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात आ जाती है अंडर रूट पर। अंडर रूट का मतलब होता है हमारे पास पावर हाफ होना, यानी कि अगर हमारे पास 2 का अंडर रूट है तो कहने का मतलब 2 की पावर 1 बाय 2, यानी कि 2 का हाफ पावर हम कह सकते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास इस अंडर रूट की जगह पर मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं, हाफ रख सकता हूं ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से हमने 2 से क्या कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, तो यहां पर बच क्या गया हमारे पास, 1 बाय 2, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास क्या बच गया है, 1 बाय 2। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे साथ बोलिए कि स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास पावर क्या होती है, हाफ, और स्क्वेयर से अंडर रूट हमेशा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये बात शायद आपको समझ में आ चुकी है कि यहां पर हमने इसको सोल्व आउट करके निकाला तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 बाय 2 आ चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहां पर इन दोनों का अलग अलग सेपरेट सेपरेट अंडर रूट कर देंगे हम। ऊपर का अंडर रूट कितना आ गया, 1, 1 का अंडर रूट 1 कर दिया हमने, और यहां पर नीचे डिवाइड में अंडर रूट 2 आ चुका है, क्योंकि
टू अंडर रूट से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको अंडर रूट टू का टू ही रखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अंडर रूट थ्री बाय फोर, सेम एज इट इज, इसको भी ऐसे ही हम सोल्व करके निकालेंगे। देखिए आपको शायद ये लग सकता है भी इससे अच्छा तो मैं इसको रट लूँ, नहीं रटना अच्छी बात नहीं है। रटने वाली चीज़ सिर्फ आपको महीना या फिर महीना भी नहीं कहेंगे कि कुछ हफ्ते तक याद रह सकती है, दिनों तक याद रह सकती है, लेकिन ये चीज़ आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। एक बार सीखिए सिर्फ आप इसको, एक बार सीखने भर से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। और इसके टेबल के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री जो टेंथ का आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम फॉर्मूले भी याद करने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे साथ में ही, ठीक है ना। तो ऐसे ही अंडर रूट थ्री बाय फोर की अगर मैं बात करूँ, अंडर रूट थ्री बाय फोर इसको भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट है अंडर रूट के अंदर, उनके अंदर अंडर रूट को सेपरेट सेपरेट नोट कर देंगे हम। तो यहाँ पर कितना आ गया अंडर रूट थ्री और नीचे आ गया अंडर रूट फोर, बात वहीं पर आ गई, स्क्वायर की टर्म मिल गई है और उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे और स्क्वायर से अंडर रूट थोड़ी सी देर पहले बताया था मैंने आपको क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसकी जगह पर क्या आ गया है अंडर रूट थ्री बाय टू, और यहाँ पर फोर वन जा फोर और इसका अंडर रूट क्या हो गया है वन हो गया है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है बच्चों, बड़े आसानी से और बड़े देखिए ध्यान से इस चीज़ को सीखना है, ठीक है ना। सीखते टाइम आपको हो सकता है कि ये वीडियो सिर्फ जितने समय की बनेगी उसी तक का आपको समय लगेगा सीखने में, बस ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार आप इसको सीख जाओगे तो फिर आपको दोबारा कभी भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है साइन ऑफ ए की, साइन ऑफ यानी कि जीरो डिग्री, ठीक है ना। साइन ऑफ जीरो डिग्री कितना हो गया जीरो, साइन थर्टी कितना हो गया वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव कितना हो गया वन बाय अंडर रूट टू, साइन सिक्सटी कितना हो गया अंडर रूट थ्री बाय टू, और साइन नाइन्टी कितना हो गया वन। ये हमारे पास अब तक की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास हमें साइन की सभी एंगलों की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट पर चलना है, नेक्स्ट चलना है हमने कोसाइन ऑफ ए पर। देखिए आप ये मान के चलें कि अगर साइन ऑफ ए, ठीक है ना, ईस्ट में जा रहा है तो कोसाइन ऑफ ए वेस्ट में आएगा, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट चलेगा ये, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये हमारा ऐसे आएगा, क्या मेरी बात समझ में आई है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्या करेगा भाई, मैं तेरे जो साइन ऑफ ए और को साइन ऑफ ए है ये आपस में मतलब कि इनकी बनती नहीं है, और ये कहते हैं भाई अगर तू ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे आऊँगा, यानी कि तू अगर इस लाइन में ऐसे जाएगा तो मैं यहीं से क्या करूँगा ऐसे आऊँगा, तेरे साथ नहीं चलूँगा मैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास को साइन ऑफ ए यानी कि 90 डिग्री, जो हमारे पास साइन ऑफ ए 90 है वो को साइन ऑफ ए 0 डिग्री बन जाएगा, यानी कि इसको बिल्कुल उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर अपोजिट, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे इसको इस डायरेक्शन से लेकर आइए, ठीक है ना, रिवर्स से आप चलते रहिए बस, ठीक है। जैसे रिवर्स से चलते टाइम हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वन, रिवर्स से चलते टाइम क्या लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट थ्री बाय टू, रिवर्स से चलते हुए ये तो एज इट इज यहीं पर आएगा वन बाय अंडर रूट थ्री, ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा 60 वन बाय टू, और ये हमारा कहाँ पर चला जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। ये कोसाइन ऑफ ए ने कहा, कोसाइन ऑफ ए कहता है कि मैं साइन ऑफ ए के साथ नहीं चलूंगा, अगर वो ऐसे गया है तो मैं ऐसे वापस आऊँगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। यानी कि जो इसकी वैल्यू 0 की बनी है वो मेरी 90 की बनेगी, जो इसकी वैल्यू 30 की बनी है वो मेरी 60 की बनेगी, जो इसकी वैल्यू 45 की है चलो कोई बात नहीं सहमति कर लेते हैं, इतना झगड़ा अच्छा नहीं है तो हम एक वैल्यू को तो एक जैसा रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सहमति हो गई थी यहाँ पर, तो इसलिए इनकी वैल्यू सेम हो गई। बड़े ध्यान से देखना है इस चीज़ को। हमने स्टार्टिंग हमने पहले वही की थी कि 0 से 4 तक के काउंटिंग, 4 से डिवाइड, अंडर रूट से जो बाहर निकल कर ये वैल्यू आ गई थी, कोसाइन ऑफ ए पर पहुँच गए, और कोसाइन ऑफ पर पहुँचने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से बिल्कुल इसके रिवर्स में लिखना शुरू यहाँ से कर दिया था। तो ये हमारा अब तक का टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास बात आ गई है टेंजेंट ऑफ ए की, ठीक है ना। तो एक हम कहते हैं कि आपने देखा होगा
सबसे पहले टेंजेंट ऑफ ए, एक फॉर्मूला शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि हमारा टेंजेंट ऑफ ए होता है बेटे साइन ऑफ ए अपॉन में कोसाइन ऑफ ए के। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, चाहे इलेवेंथ का हो, ट्वेल्थ का हो, चाहे टेंथ का हो, इन सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के अंदर मैं इसको मानता हूँ, ठीक है ना, जहाँ पर भी टेंजेंट की बात चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे पास इसको आगे जब हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर भी इस फॉर्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम यहाँ इसका यूज़ करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हम इस टेबल को सीख रहे हैं तो टेबल को सीखते समय हम क्या करेंगे, फॉर्मूले भी साथ साथ सीखते चले जाएंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम कंसेप्ट यहीं पर डिस्कस हो जाए, याद कुछ और ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे बात अगर यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर हमने क्या करना है, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री निकालना है। तो उसके लिए वैल्यू किस किस की चाहिए, साइन ऑफ 0 डिग्री और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ 0 डिग्री कितना है, 0, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री कितना है, 1, बस वैल्यू यहाँ पर रख देनी है जैसे हमने निकालनी थी वैल्यू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री की, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री कितना है, 1, तो यहाँ पर 0/1 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वैल्यू निकल गई है। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की, तो हमें वैल्यू किस किस की चाहिए होगी, साइन ऑफ 30 डिग्री और कोसाइन ऑफ 30 डिग्री की भी वैल्यू साथ साथ में चाहिए होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर करते हैं, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर कोसाइन ऑफ 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इस वैल्यू का, कैसे होगा, 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बच चुकी है। ऐसे ही हम निकालेंगे 45 पर लेकर जाएंगे इसको, टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास इन दोनों की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, 1/1 = 1। ऐसे ही टेंजेंट 60 डिग्री पर जाएंगे तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पर √3/2 यानी कि साइन ऑफ ए √3/2, कोसाइन ऑफ ए कितना हो गया, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल, तो √3/1 कितना आ गया, √3। बात आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना, बड़ी आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा, देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को समझ कर चलते हो तो ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगी, रट के चलोगे तो कुछ समय तक साथ रहेगी, ठीक है ना। बात आपके ऊपर है कैसे आपने करना है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा काम आएगी, इलेवंथ में भी आएगी, ट्वेल्थ में भी आएगी, ठीक है ना। तो इसको आज ही हम मतलब अच्छे से डिस्कस करके करते हुए चलते हैं। तो निकालते हैं टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री हम निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें किस किस की जरूरत होगी, साइन ऑफ 90 डिग्री, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास 1/0 कोई भी नंबर हो, कई बच्चे इसको 0 बोलेंगे, सर 0 आएगा, नहीं, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 पड़ा है तो वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, अनडिफाइंड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर किसी बच्चे को इसको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जो 8 होता है उसको रिलैक्स करवा दीजिए, ठीक है, सोने की स्थिति में, ठीक है, आप उसको रख दीजिए तो वो इन्फिनिटी की हमारे पास रिप्रेजेंट जो एक सिंबल होता है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अब हमारे पास आ गया कोसिकेंट ऑफ ए। इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो 3 ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उन्हीं के अपोजिट हमारे नेक्स्ट के 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे कि मैं वैसे बता रहा हूँ आपको सिंपली, इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। साइन ऑफ ए का अपोजिट होता है कोसिकेंट ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए का अपोजिट होता है सीकेंट ऑफ ए,
टेंजेंट ऑफ ए का अपोजिट होता है कोटेंजेंट ऑफ ए, बस यही बात है। ठीक है, जैसे मैं इन तीनों फॉर्मूलों को नोट भी कर देता हूं आपको यहां पर, जैसे हमने निकाला है साइन ऑफ ए, ये बड़े काम आएंगे आपको, आगे भी काम आएंगे, इसी तरीके से हम कर रहे हैं। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय कोस कोसिकेंट ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय सीकेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय कोटेंजेंट ऑफ ए। ये तीन फॉर्मूले हैं, एक सेकंड नहीं लगेगी इन फॉर्मूलों को याद करने में, ठीक है ना। और आप ये बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले लिखवा रहे हो, बिल्कुल आसान है। इस टेबल से मैं इसको रिलेट करके निकलवा रहा हूँ, क्यों निकलवा रहा हूँ, आपको 8-10 फॉर्मूले तो साथ में लर्न हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले अगर किसी को लर्न है ट्रिग्नोमेट्री के तो ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है ना। बिना फॉर्मूलों के तो ट्रिग्नोमेट्री आप कर नहीं सकते, जो ये आइडेंटिटीयां जो हमारे पास बनती हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ में इनको भी डिस्कस करते जा रहे हैं, कुछ मतलब कि पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास कितना कंसेप्ट हमारा कवर हो जाएगा। आप एक बार देखना इस चीज को बड़े ध्यान से, ठीक है ना। तो चलिए कोसिकेंट ऑफ ए पर चलते हैं, कोसिकेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो कोसिकेंट ऑफ ए निकालने के लिए यहां पर हम चलते हैं, इस फॉर्मूले पर चलते हैं, ठीक है ना। कोसिकेंट ऑफ ए निकालने के लिए, तो कोसिकेंट ऑफ ए ये यहां पर डिवाइड में, बराबर से बाद अगर कोई चीज डिवाइड में है तो यहां पर आने के बाद किसकी हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई की हो जाएगी, और जो चीज यहां पर है वो यहां पर किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो यानी कि अगर साइन का उल्टा अगर कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा, साइन हो जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूं ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो कोसिकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय साइन ऑफ ए, तो वन बाय साइन ऑफ ए। कोसिकेंट जीरो डिग्री निकालना है, तो कोसिकेंट निकालना है जीरो डिग्री, कोसिकेंट कितना निकालना है जीरो डिग्री, तो वन बाय साइन जीरो की वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी, तो वन बाय साइन जीरो, तो यानी कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो गया हमारे पास, तो वन बाय कितना आ गया जीरो, तो समथिंग बाय जीरो दैट क्या होगा, इन्फिनिटी भी होगा, कोई और कुछ करना ही नहीं है हमने, ठीक है ना। इस चीज को बड़े ध्यान से हम करेंगे, ये इन्फिनिटिव आ गया। अब ऐसे ही हम ऐसे निकालते जाएंगे, जैसे हमने क्या करना है कोसिकेंट, इसका अपोजिट क्या होगा 2/1, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या होगा 2/1, तो इसका अपोजिट हो गया 2/1, यानी कि 2 ही हो गया। इसका अपोजिट क्या हो गया √2, इसका अपोजिट √2, यानी कि इसको रेसिप्रोकल बोल देंगे ऐसे, इसका रेसिप्रोकल बोल देंगे ऐसे ही, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और इसका 1/1 दैट इज 1 आ जाएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़े ध्यान से आपने अच्छे से सीखनी है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सीकेंट ऑफ ए पर जाते हैं। वही मैंने थोड़ी सी देर पहले ही बताया था आपको कि हमारे पास कोसाइन ऑफ ए को अगर अपोजिट तरीके से देखें तो उसका हमारे पास क्या बनता है, सीकेंट ऑफ ए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे ऐसे, अपोजिट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/ सीकेंट ऑफ ए, और सीकेंट चाहिए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस। तो जहां पर अभी सीकेंट है वहां पर किसकी वैल्यू को नोट कर देता हूं, कोसाइन ऑफ ए की, और यहां पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, ये सीकेंट ऑफ ए जीरो डिग्री, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कितना करेंगे √2, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2, और इसका, ये बड़े ध्यान से देखना है, यहां पर आप थोड़ा सा आकर कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो ये हमने निकालना है सीकेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/ साइन कोसाइन 90 डिग्री जीरो, ठीक है ना। बात आ गई समझ में या नहीं आई, तो 1/0 समथिंग क्या हो गया, इन्फिनिटिव। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, इन्फिनिटी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। कई बात क्लियर हो गई। लास्ट में है कोटेंजेंट, तो यही बात हम ऐसे ही करेंगे। कोटेंजेंट यानी कि टेंजेंट का जो, अगर वैसे अपोजिट की बात करें तो टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/ कोटेंजेंट ऑफ ए, तो इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। कोटेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/ टेंजेंट ऑफ ए, किसकी वैल्यू निकालनी है सर, जीरो की निकाल के दिखा दो। तो यहाँ पर किसका निकालेंगे, जीरो, तो टेंजेंट जीरो कितना होता है, जीरो निकाला था हमने। तो कोटेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, समथिंग बाय इन्फिनिटिव दैट समथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो ये हमारे पास, अगर वैसे मैं नॉर्मली अगर बात करूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास ये क्या होगा,
जो हमारा 8 है वो आराम की अवस्था में है, बिल्कुल ठीक है ना, रिलैक्स कर रहा है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री, तो हमारे पास 10:30 पर जाओ, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो √3, ये आ गया 1/1, क्या आएगा, 1 ही आएगा भाई, कुछ नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये √3 बाय, कुछ नहीं करना, तो इसका आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा, 1/√3। तो अब हमारे पास इसका अपोजिट हमने करना है, तो इसका अपोजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरीके से हमने निकालनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टेबल देखो कितनी आसानी से तैयार हो गई, कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इतनी फॉर्मूले भी आपको इतने लर्न हो गए हैं कि आपको, अब एक बार थोड़ा सा आपके दिमाग से इसको रिमाइंड करके देखो कि हमने क्या क्या सीख लिया है इस टेबल के साथ साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने सिर्फ इतना ही किया है कि हमने पहले इस टेबल को अच्छे ऐसे बनाया है, उसके बाद हमने 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखी थी, 4 से डिवाइड किया था, जो कैंसिल आउट हो रहे थे कैंसिल आउट करके √ करके वैल्यू ऐसे निकाल दी थी। फिर ये इस साइड से जा रहा था तो कोसाइन बोला मैं तो यहाँ से अपना शुरुआत करूँगा, इसके उल्टे से शुरुआत करूँगा, इसके साथ नहीं बनती, यहाँ एक जगह आकर इनकी सहमति हो गई थी। टेंजेंट मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अपॉन में कोसाइन ऑफ ए, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास उसके बाद कोसिकेंट ऑफ ए, यानी कि साइन का अपोजिट मैंने मानकर चला हूँ, साइन का अपोजिट ये सीकेंट कोस का और टेंजेंट कोटेंजेंट का, ऐसे हमने टेबल तैयार करनी है और ऐसे ही इसको हमने समझना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको समझ के करते हो तो एक बार जैसे वीडियो ख़त्म होगी तो आपने क्या करना है, एक बार नोटबुक पर बना कर देखनी है, मैं गारंटी देता हूँ नोटबुक पर आप बिल्कुल बना पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो आशा रखते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें, थैंक यू।